मेटिस एक टाइटन और एक गॉडेस थी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की। ज्यूस उन्हें अपने पत्नी के रूप में पाना चाहते थे क्योंकि ज्यूस को उसके मशवरे की सख्त जरूरत थी। मेटिस ज्यूस से शादी के लिए राजी नहीं थी। ज्ञान की देवी होने के साथ साथ मेटिस को रूप बदलना भी आता था। ज्यूस से बचने के लिए मेटिस भेष बदल के घूमती रहती थी, लेकिन इस तरह उस ज्यूस से कितनी देर बचती। ज्यूस मेटिस को आखिरकार ढूंढ के उनसे शादी किया और मेटिस बन गई ज्यूस की पहली पत्नी। जब मेटिस माँ बनने वाली थी तब डेल्फी की ओरिकल से ज्यूस को पता चला कि मेटिस एक साथ दो बच्चे को पैदा करेगी। उनमें एक लड़की और एक लड़का होगा। जो लड़की होगी वो बड़े होके एक महान गॉडेस बनेगी, लेकिन जो लड़का होगा वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि वो एक दिन अपने पिता से उनकी गद्दी छीन लेगा। ये सब सुन के ज्यूस बहुत घबरा गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो हालत उसके पिता क्रोनस और उसके दादाजी यूरेनस के साथ हुआ था वो उसके साथ भी हो। ये सब रोकने के लिए ज्यूस ने एक तरकीब सोचा। ज्यूस बातों ही बातों में मेटिस से उसके भेष बदलने के लिए कहा। ऐसे मेटिस ने कई सारे चीजों में बदली, लेकिन जब मेटिस पानी की बूंद में बदल गई तब ज्यूस ने उसे पी लिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक से ज्यूस के दिमाग में दर्द होने लगा। सारे गॉड्स इसको लेकर सोच में पड़ गए। बाद में ज्यूस हेफेस्टस को उसके सर को काट के देखने के लिए कहा। हेफेस्टस ने कुल्हारी से ज्यूस के सर को दो हिस्सों में काट डाला, जिसमें से एथेना बाहर निकल के आई जो बहुत बड़ी हो चुकी थी। एथेना बाद में जाकर बनी गॉडेस ऑफ विजडम। ज्यूस को बहुत गर्व हो रहा था क्योंकि उन्होंने एथेना के जैसे एक महान गॉडेस को पैदा किया था। कहा जाता है ज्यूस अपने सारी बेटियों में एथेना से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ ज्यूस ने मेटिस को अपने पेट में ही रखा इस डर से कि इसकी गद्दी उससे छीन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ज्यूस और मेटिस की स्टोरी। अगर आप भी ऐसी ही कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो आप सबसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।